वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को दोगुने से अधिक किया है। कोई कल्पना कर सकता है कि मुरादाबाद का पीतल का उद्योग जो दम तोड़ रहा था, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अन्य अथॉरिटी के लोग हर दिन छापामारी करके उनको प्रताड़ित करते थे, आज पीएनजी की सुविधाओं ने मिल गई है, 24 घंटे बिजली मिल रही है, 14 से 15 हजार करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अकेले मुरादाबाद कर रहा है इस समय, 14 से 15 हजार करोड़ रुपए का। भदोही का कारपेट उद्योग पूरी तरह बंदी की ओर था, आज 6 से 7 हजार करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अकेले भदोही से है। फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग ताज के कारण बंदी के कगार पर था, आज फिर से रिवाइव हुआ है। अलग अलग जिले के अंदर लखनऊ की चिकनकारी, जितना इनको ऑर्डर मिल रहे हैं उसको पूर्ति नहीं कर पा रहे। उसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को ही बढ़ाया और उसकी सबसे बड़ी ताकत हमें तब दिखाई गई जब कोरोना कालखंड में 40 लाख हमारे कामगार और श्रमिक वापस आए थे। हम लोगों ने उनका स्किल मैपिंग किया है और उस समय मैंने सभी एमएसएमई यूनिट से इस बारे में अपील की थी। मैंने कहा कि कम से कम 1 या 2 लोगों को अपने यहां समायोजित करो, जब बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। हमारे यहां पर यूनिट सब चलती रही, चली थी, लेकिन जिन लोगों ने उनके संकट के समय उनको सपोर्ट नहीं किया उनके उद्योग बंद जरूर हो गए। और मैं देखता था कि कोविड कालखंड में जब सामान्य स्थिति आती थी तो वहां के तमाम लोग मुझे फोन करके कहते थे कि साहब वहां से लोगों को थोड़ा भिजवा दीजिए हम लोग। मैंने कहा हमारा काम नहीं है, हमारा काम तब था जब संकट उनके सामने था, हम उनके साथ खड़े थे, मैं आज भी उनके साथ खड़ा हूं। और रोजगार उसको अपने घर में मिलना है तो अपने घर में रहकर के वह कार्य करेगा। एमएसएमई हमारी बहुत बड़ी ताकत, वो चीजें आगे बढ़ी। फिर हमने रिफॉर्म किए, इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के सामने एक लक्ष्य दिया कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में प्रयास करना चाहिए।